नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आज आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे और थोड़ा सा आपको पता भी चल गया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है। काफ़ी बार काफ़ी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे ऊपर बनाए हैं कि दुबई जब आप आते हो तो छोटी सी छोटी भी गलती आपने नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप छोटी सी छोटी भी गलती करते हैं तो भी आपको एक फाइन यहाँ पे लग सकता है। दुबई किसी को माफ़ नहीं करता है, ठीक है। तो ऊपर वाली की दुआ से मैं बच गया हूँ, छोटा सा एक फ़ाइन मुझे भी लगने वाला था। वैसे मैं कोशिश यहाँ पे यही करता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे रूल नहीं तोड़ता हूँ दोस्तों। छोटा सा छोटा भी कोई रूल हो, इवन मैं रोड क्रॉस करने टाइम भी वहीं से क्रॉस रोड करता हूँ जहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग होती है। गाड़ी जब ड्राइव करता हूँ तो भी बहुत ध्यान लगा कर मैं सारी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ियों के भी काफ़ी सारे फाइन लगे हैं। बाद में मैं उसके ऊपर आपके साथ शेयरिंग करूँगा, वीडियो बनाऊँगा किस तरीके से फ़ाइन लगते हैं, कितना पेमेंट होता है और कैसे आप पे करते हो। तो थर्सडे को मेरे साथ एक छोटा सा वाकया हुआ, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ क्या हुआ था। तो लगभग 6 बजे के आसपास थर्सडे को जब से ही ऑफिस ख़त्म हो गया, हम लोग नीचे आ गए थे और हम लोग पार्किंग एरिया में खड़े थे और वहाँ पे थोड़ी सी गप्पे लग रही थी क्योंकि थर्सडे था और वीकेंड होता है तो बातें कर रहे थे क्या कौन क्या करेगा। तो उसी टाइम ये हो गया कि हम लोग बातों में इतना ये हो गए थे कि कुछ पता ही नहीं चला हमें कि क्या आसपास हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो गया, मुझे एक कॉल आ गया अर्जेंटली। तो मैं वो कॉल पे बातें करते करते मैं चल रहा था, स्टेप्स चल रहा था वहाँ पे, और मैं जिस ग्रुप के साथ बातें कर रहा था हम लोग खड़े थे बातें करते करते। तो जैसे ही मुझे कॉल आया तो मैं थोड़ा सा वहाँ से दूर हट गया और मैं कॉल पे लगा रहा। तो बात ये हुई दोस्तों, उसी टाइम वहाँ पे यहाँ के पुलिस आ गई और उन्होंने तुरंत उस ग्रुप को रोका जो मेरा था। मैं भी हक्का बक्का रह गया, क्या हो गया अचानक से, क्यों क्या हो गया, जो पूछताछ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा दूर था तो इसलिए बस और बस एक कॉल के वजह से मैं बच गया दोस्तों। जो भी 3 लोग थे ग्रुप में वहाँ पे खड़े थे, उन सभी का एमिरेट्स आईडी जो होता है यहाँ का, मतलब यहाँ का जो आपका आईडी होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड बोला जाता है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ जिसको यहाँ पे एमिरेट्स आईडी बोला जाता है, सबका एमिरेट्स आईडी लिया गया और सबको जुर्माना दिया गया। किस वजह से दिया गया, तो सब ने मास्क पहने थे, बस प्रॉब्लम ये था दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, सारे इकट्ठा खड़े थे और बीच में कोई बैक गैप नहीं रखा था। इस वजह से वो लोग अचानक से आए और उन्होंने 3 लोगों के एमिरेट्स आईडी लेकर उनको जो है वो फाइन दिया। मैं बचा इसलिए क्योंकि मैं कॉल पे था और मैं थोड़ा सा चलते चलते दूर चला गया था और रियली गलती थी। और यहाँ पे देखो, छोटी सी छोटी भी गलती दुबई में माफ़ नहीं की जाती दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबको पता है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको ये बातें सारी पता होती है, ये लोग फॉलो करते रहते हैं। काश अगर मुझे नहीं वो कॉल आता तो शायद मुझे भी वो फाइन लग जाता, मगर उस कॉल के वजह से मैं थोड़ा सा चलते चलते आगे गया। वैसे हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, मैं फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ, किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, तो हम लोग ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी चाहिए हर जगह पे। दुबई, अबू धाबी, यूएई में हर जगह पे अभी क्या होता है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत मॉनिटरिंग कर रही है, इसी वजह से यहाँ पे जो कोविड जो टेस्ट है वो टेस्ट भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं और केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से कि यहाँ पे ये मॉनिटरिंग सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, मास्क हर कोई पहनता है। बस यही छोटा सा एक एक्सपीरियंस था। तो आप सभी की दुआ शायद मेरे साथ थी इसलिए मैं बच गया, ऐसे ही मेरे साथ आपकी दुआ रखिए। वैसे मैं छोटे मोटे ऐसे बहुत चीज़ें सोचता रहता हूँ, मैं ऐसे कोई गलती नहीं करता हूँ, मगर कभी कभी हो जाता है, गलती हर किसी से होती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। कुछ मेरे कार एक्सीडेंट भी हुए थे छोटे मोटे, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा।
भले कितना भी आप सोचो गलती इंसान से होती है, बस एक बात करनी है दोस्तों, जब भी आपसे कोई गलती होती है उसको दोहराओ नहीं, मतलब दूसरे बार वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जब आपको फाइन लगता है तो उस टाइम क्या होता है, तो आपके एमरेट्स आईडी ली जाती है, उनके साथ एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस में आपका वो कार्ड पंच किया जाता है या आपकी डेटा एंट्री की जाती है, और आपका जो फाइन है वो आपके एमरेट्स आईडी पर आपके नाम पर दर्ज हो जाता है। वो जब भी आप चाहे बाद में पे कर सकते हो। वो अगर फाइन आपने पे नहीं किया तो आप यहाँ से कंट्री छोड़कर नहीं जा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे लोग मुझे ये पूछेंगे कि सर कितना फाइन लगा, तो वो हमें भी पता नहीं है। जब उसका SMS आता है, शायद उन लोगों को वो SMS आया होगा, तो इसके ऊपर मैं Part 2 भी बनाऊंगा कि उनको कितना फाइन आया, ठीक है। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इसके पहले भी बनाए हैं कि कौन सा फाइन यहाँ पे लगने पर कितना होता है। कोशिश मैं करूँगा ये कि सेकंड पार्ट जो बनाऊँगा उसमें ये सारे फाइन कितने होते हैं और क्या होते हैं ये बताने की आपको कोशिश करूँगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, बहुत टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, और क्योंकि आपके एक छोटे से शेयर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।